हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोना कॉमस्टार शेयर के ऊपर। इस स्टॉक ने आपको 480 के लेवल पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया है। स्टॉक में जो है तकरीबन 2.25% का तेजी हम लोगों को देखने को मिला। एक समय में ऑलमोस्ट 4% का तेजी था, बट लास्ट के सेशन में स्टॉक में हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला और स्टॉक जो है आपको 480 के लेवल के राउंड क्लोज दिया। स्टॉक का 52 वीक हाई अगर बात करेंगे 664.40 रुपीज़ का है, तो अभी 52 वीक हाई से जो है आपको काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट जो है 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर इस पूरे वीक के हम लोग कारोबार देखेंगे, तो लास्ट वीक में जो है तकरीबन 4.5% से ज्यादा का तेजी इस स्टॉक ने दिखाया है और लास्ट वन मंथ में स्टॉक ने 14% का एक अच्छा तेजी दिखाया है और स्टॉक जो है वन मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्टॉक में हम लोगों को क्लियरली एक बहुत ही शानदार अपमूव देखने को मिला था जब स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ था। कंटिन्यूस एक अच्छा तेजी देखने को मिला, उसके बाद जो है स्टॉक में वापस से हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जब भी यहाँ पे कंटिन्यूस तेजी दिख रहा था, तभी भी मैंने आपको बताया था जो अभी इस रैली में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है यहाँ पे मूव कर चुका था, रिट्रेसमेंट नहीं आया था। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 839.90 रुपीज़ का और उसके बाद से कंटिन्यूसली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो स्टॉक ने दिसंबर 2021 में हाई लगाया था और दिसंबर 2021 से कंटिन्यूसली स्टॉक में हम लोगों को करेक्शन देखने को मिला और फाइनली जो है यहाँ पे आपको अक्टूबर 2022 से कंटिन्यूसली स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में। अभी भी स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ही है, 400 to 500 के रेंज में ही है। लेकिन अगर हम लोग इस मंथ के कैंडल को देखेंगे, तो इस मंथ का कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली क्लोज हुआ है। बहुत ही स्ट्रांग मारुबुजू कैंडल का फॉर्म, ऑलमोस्ट मारुबुजू कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक बुलिस इंगल्फिंग कैंडल का भी फॉर्मेशन हुआ है। डेली चार्ट पे एक बुलिस इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है अगर ब्रेकआउट आता है आपको ऊपर की साइड में, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है 500 के लेवल के ऊपर नेक्स्ट वीक में सस्टेन कर जाता है, और नेक्स्ट वीक इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 3rd of May को जो है आपको ट्यूजडे के सेशन में इस स्टॉक का फाइनेंशियल रिजल्ट भी आने वाला है। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में स्टॉक वापस से इस लेवल को क्रॉस कर लेता है 500 के लेवल को, या फिर जो है आपको इस मंथ में स्टॉक जो है आपको इस लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर देता है वीकली बेसिस पे, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर की साइड में आपको 600 और फिर 800 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। ऑलरेडी लास्ट 4 वीक्स एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, एक शॉर्ट रिट्रेसमेंट हम लोग देख सकते हैं, और उसके बाद अगर वीकली बेसिस पे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आता है, तो फिर आप डेफिनेटली इस स्टॉक में भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।